हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपनी इंडो इंडियन राइटर्स की सीरीज में आज हम आर के नारायण की बात करेंगे। आर के नारायण, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण अय्यर था दोस्तों, वो 10th अक्टूबर 1906 में मद्रास में पैदा हुए थे, जिसको कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलोंग विद मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। आर के नारायण के फादर रासीपुरम वेंकट रमन कृष्णा स्वामी अय्यर एक सीधे साधे स्कूल टीचर थे दोस्तों, और एक बड़ी फैमिली थी जिसको उन्हें सपोर्ट करना था। आर के नारायण को 12th की पढ़ाई के बाद पढ़ाई के लिए खुद ही इनकम करनी पड़ी थी दोस्तों। पहले उन्होंने मैसूर सेक्रेटेरिएट में क्लर्क का काम किया और फिर एक विलेज स्कूल में टीचर हो गए, लेकिन ये दोनों प्रोफेशंस ही उन्हें सूट नहीं कर रहे थे और अपने अर्ली स्कूल डेज से ही He wanted to become a writer. So he gave up the job of a school teacher and a clerk and became a full-time writer. आर के नारायण द्वारा लिखे गए नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज एक इमेजिनरी प्लेस मालगुड़ी में घटित होती हैं दोस्तों, जो कि तमिलनाडु रीजन में ही पाया जाता है और एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है। सबसे पहले मालगुड़ी लोकेल का प्रयोग उन्होंने अपने नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स में किया था दोस्तों। ग्रहम ग्रीन, जो इंग्लैंड के फेमस राइटर हैं दोस्तों, वो नारायण के मेंटर भी थे और फ्रेंड भी, और ये ग्रहम ग्रीन का ही प्रभाव था जिसकी वजह से नारायण की फर्स्ट 4 बुक्स पब्लिश हो पाई थी, जिसमें उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी भी इंक्लूड थी, जिसमें 3 नॉवल थे, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। आर के नारायण के भाई आर के लक्ष्मण एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं दोस्तों, जिन्हें कि 1973 में अपने वर्क्स के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी। अपने शुरुआती नॉवेल्स में आर के नारायण स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में लिखते हैं दोस्तों, और इनमें हमारे जो 3 नॉवल आते हैं दे आर स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। द डार्क रूम एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स वो डोमेस्टिक नॉवल्स हैं दोस्तों जो आर के नारायण द्वारा लिखे गए हैं, और आर के नारायण के वो नॉवल्स जो कि मनी वर्शिपिंग की बात करते हैं वो हैं द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मिस्टर सैंपथ, द गाइड एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। आर के नारायण का सिर्फ एक ही नॉवल है जिसे पॉलिटिकल नॉवल की कैटेगरी में रखा जा सकता है दोस्तों, और उसका नाम है वेटिंग फॉर द महात्मा, जो कि 1942 में हुए क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। नारायण को बहुत सारे ऑनर्स भी प्राप्त हुए दोस्तों। साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें 1960 में, पद्म भूषण 1964 में, द डिग्री ऑफ डिलिट 1967 में, और बेंसन मेडल 1980 में प्राप्त हुआ था। और आर के नारायण वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। द लिस्ट ऑफ नारायण नॉवल्स आर स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर सैंपथ, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइंस, अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी, टॉकेटिव मैन, माई डेज, आर के नारायण द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, और आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है मालगुड़ी डेज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज,
A Horse and Two Goats, Under the Banyan Tree and Other Stories, The Grandmother's Tale and Selected Stories. Our next point is, Narayan says, My focus is all on character. If his personality comes alive, the rest is easy for me. और आर के नारायण के लिए एस कृष्णा ने कहा है, आर के नारायण इज फर्स्ट एंड लास्ट सुप्रीम स्टोरी टेलर एंड द फुल्ली इवॉल्व्ड स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग. आर के नारायण की डेथ 13th May 2001 में हार्ट और लंग ट्रबल्स के बाद हो गई थी दोस्तों. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज आर के नारायण बॉर्न? द करेक्ट आंसर इज चेन्नई. क्वेश्चन नंबर टू, आर के नारायण वॉज बॉर्न एट साउथ इंडियन विलेज? द करेक्ट आंसर इज रासीपुरम. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आर के नारायण यूएस ट्रेवल्स मेमोर्स? द करेक्ट आंसर इज माई डेटलेस डायरी. विच नॉवल ऑफ आर के नारायण deals with Quit India Movement of 1942? The correct answer is Waiting for the Mahatma. Narayan's India is symbolized by an imaginary town. What is the name of that town? The correct answer is Malgudi. Next question, R.K. Narayan worked as a DAS in Mysore Secretariat. The correct answer is clerk. Which novel faced for its writer Sahitya Academy Award in 1960? The correct answer is The Guide, जो कि 1958 में पब्लिश हुआ था दोस्तों. Which of the following match about R.K. Narayan's honors is wrong? The wrong one is Sahitya Academy 1962, क्योंकि Sahitya Academy Award आर के नारायण को 1962 में नहीं 1960 में मिला था और अपने नॉवल द गाइड के लिए. आर के नारायण फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड राजम. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज मोस्ट मेमोरेबल करेक्टर क्रिएशंस आर हिज ग्रेट कॉमिक एसेंट्रिक्स सैंपत, राजू, मार गया एंड जागन. हु कमेंट्स? द करेक्ट आंसर इज एसके गिलरा. स्पीकिंग जनरली नारायण इज द आर्ट ऑफ रिजॉल्व्ड लिमिटेशन एंड कॉन्सेंटियस एक्सप्लोरेशन. हु कमेंट्स? द करेक्ट आंसर इज श्रीनिवास आयंगर. नारायण फेमस नॉवल द गाइड फर्स्ट अपियर्ड इन विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज 1958. आर के नारायण रोट नियर अबाउट हाउ मेनी स्टोरीज? द करेक्ट वन इज 151, क्योंकि आर के नारायण ने 151 से भी ज्यादा स्टोरीज लिखी हैं दोस्तों. व्हाट वाज आर के नारायण मदर टंग? इट वाज तमिल फ्रेंड्स. व्हेन डिड आर के नारायण डाई? आर के नारायण डाइड इन द ईयर 2001. आइडेंटिफाई the Indo-Anglian writer whose brother was a famous cartoonist and receiver of Padma Bhushan in 1973. The correct answer is Narayan. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.